इस सिरप का उपयोग बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आज हम आपको सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन सिरप के बारे में बताएंगे। सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन सिरप का उपयोग बच्चों में क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो जाती है तब डॉक्टर देते हैं, या फिर सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन सिरप का उपयोग बच्चों में कौन कौन सी दिक्कत, कौन कौन सी बीमारी में उपयोग किया जाता है, इस दवा का डोज क्या होता है, बच्चों को किस प्रकार से इस दवा का डोज निर्धारित करके दिया जाता है, कितने साल से कितने साल तक कितना ml देना है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। इस दवा का उपयोग बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की जब समस्या हो जाती है बच्चों में, जैसे कि बच्चों के जब नाक बहने लगते हैं उसकी वजह से, अगर उनके शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर उनकी बॉडी में बुखार के जैसा महसूस होता है, तब डॉक्टर बुखार की दवा के साथ में सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन एंटीबायोटिक ये सिरप देते हैं। और जैसे कि अगर बच्चों के कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर बच्चों को टाइफाइड बुखार की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है, या फिर बच्चे के गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब दिया जाता है, या फिर बच्चे के फेफड़े में यानी लंग्स में किसी प्रकार की समस्या हो जाता है तब दिया जाता है, बच्चों को टाइफाइड की समस्या रहती है यानी टाइफाइड बुखार रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है। और जैसे कि इस ओरल सस्पेंशन सिरप का उपयोग बच्चों में निमोनिया, जब बच्चों में निमोनिया की समस्या हो जाती है तब डॉक्टर के द्वारा सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन का उपयोग करने के लिए दिया जाता है, या फिर अगर बच्चे के शरीर में कहीं पर किसी प्रकार से फोड़ा फुंसी की शिकायत हो जाती है, या फिर फोड़ा फुंसी हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन सिरप दिया जाता है। सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन सिरप यह एक प्रकार से एंटीबायोटिक सिरप होता है, ये छोटे बच्चों में दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चों के शरीर पर या बच्चों की स्किन पर कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, या वैसे किसी कारणवश सूजन आ गया है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। और भी इस सिरप का उपयोग बहुत सारी समस्याओं में किया जाता है, जैसे कि अगर बच्चों के कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर बच्चों के नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के अलावा वैसे किसी कारणवश उनको बुखार आ गया हो, तब डॉक्टर के द्वारा सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन एंटीबायोटिक सिरप दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो दवा का डोज होता है, बच्चे की दिक्कत, परेशानी और उसके बॉडी वेट को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज निर्धारित करके देते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको नॉलेज के पर्पस से बता देते हैं कि जो इस दवा का डोज होता है, जैसे कि 0 से 1 साल तक के बच्चों को 1 ml ये दवा डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, और बच्चा जब 1 साल से 2 साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के द्वारा 2.5 ml या 2 ml पीने के लिए बताया जाता है। दिन में 2 बार सुबह और शाम 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम को पीने के लिए बताया जाता है। जब बच्चा 1 से 3 साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के द्वारा 2 से 2.5 ml बच्चे को पिलाने के लिए दिन में 2 बार बताया जाता है। और जैसे कि अगर बच्चा 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में रहता है तब डॉक्टर के द्वारा 4 से 5 ml इसी बच्चे को दिन में 2 बार पिलाने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके दवा लें। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें।